ओके यहाँ पे 20,000 रात दो बार दस दोनों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो जी, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और हम चल पड़े हैं दुलिया से, वापिस जा रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ से कोई माल नहीं बना और कल वापिस अपना गाड़ी लोड होना है पंजाब के लिए। तो टोल टैक्सों पे जाम लगा हुआ है, इतना ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है कि पूछो ही मत भाई, सबकी सब लाइनें फुल भरी हुई है। जिस टाइम से ये टोल फास्टैग में हुए है ना, गाड़ी वालों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ऐसे लगा रहना पड़ता है, लाइन में वेट करना पड़ता है। इनेवा वाले भैया जी, जितनी आगे नहीं सरकार है गाड़ी, उससे ज़्यादा तो पीछे आ रही है इनकी गाड़ी। अशोक लेलैंड वाले भैया को और भी जल्दी लगी हुई है। ये देखो, बिन मतलब वो करना यार ठीक नहीं है बात ये। ऐसे गाड़ियां फंसा रहे हैं लोकल में, ये भी पंगा है। ये जो आगे लेलैंड वाली गाड़ी है ना, ये लोकल है। कैसी लाइन लगी हुई है देखो, अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर एक गाड़ी का फास्टैग अगर स्लो चल रहा है ना, तो इतने में ही जाम लग जाता है। पूरा उस साइड जाम लग गया, इस साइड जाम लग गया, तीनों चारों लाइनें ऐसी फुल भरी हुई है। गाड़ी वाले खड़े हुए हैं इंतजार में। कैसे लाइन लगी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि टोल छोटा हो, काफ़ी बड़ा टोल है फिर भी जाम लगा हुआ है। हमने कर दिया है टोल पार, लेकिन लगे हैं 15 से 20 मिनट लग गए टोल पार करते करते, क्योंकि जाम लगा हुआ रहता है ना टोलों पे, तो ऐसे ही टाइम लगता है फिर। बाइक वाले भैया जी और यहाँ पे बनी हुई है चाय पानी की, नाश्ते की दुकानें बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुकेंगे नहीं हम। यहाँ से चाय उठाते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि अभी डलवाते हैं डीजल, क्योंकि पहले हमें डीजल डलवाना है। डीजल है गाड़ी में कम, और डीजल डलवाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। कंटिन्यू सफ़र करते हैं, 6 से 7 घंटे लगेंगे हमें वापसी पहुंचने में, और मौसम भी बारिश वाला हो गया है, साथ में बिजलियां चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। 6 घंटे का सफ़र हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चाय पी लिया हमने और खाना खाएंगे वापसी से 10 से 15 किलोमीटर पहले, क्योंकि अगर अभी खाना खा लेंगे ना फिर नींद आने लग जाएगी। और डीजल डलवाएंगे हम भारत वाले पेट्रोल पंप से, और यहाँ पे कट होता था, यहाँ से राइट साइड में पंप है ना, यहाँ पे जाना है अपने को। यहाँ पे यू टर्न बना हुआ है, इस कट में से राइट घूमेंगे और डीजल डलवाते हैं। यहाँ से डीजल डलवा के फिर निकलते हैं। जो भी काम करना था ना हमें, वो हमने टोल के आजू बाजू में कर लिया, क्योंकि पीछे टोल टैक्स था मेवाती, पीछे टोल टैक्स था, टोल टैक्स में सबके साम काम टोल टैक्स पे हो गए। अपने टोल पे गाड़ी स्लो हुआ, वहाँ पे हमने चाय पी लिया और यहाँ से डलवा लेते हैं डीजल और फिर निकलते हैं। फिर अपना सफ़र रहेगा कंटिन्यू 6 घंटे का।
कहीं भी नहीं रुकने वाले, हम वापसी से 20 से 30 किलोमीटर पहले रुके हैं। पेट्रोल पंप बहुत ही सुंदर है, सफाई भी अच्छी है, लाइटें वगैरह भी बहुत अच्छी लगी हुई है। ये मेरे को काम बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ पे कुछ सेट नहीं करने का, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, चलो जादा। ये मेरे को काम बहुत अच्छा लगा भाई। जैसे ही हमने पैसे किए, इसके अंदर आ गया पूरा सिस्टम देखो, और मशीन में से इन्होंने कोई भी बटन नहीं दबाया, यहाँ पे अपने आप चालू हो गया। जैसे 3,500 का हम डीजल ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे इन्होंने मशीन के साथ कुछ नहीं किया, उसमें ही सेट हो गया और नोजल उठा के चालू कर दिया। ये मेरे को बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा भाई। पहले हम डलवाते थे इस पंप से, लेकिन अभी काफ़ी दिन के बाद आए हैं ना। 10,000 का लिमिट है, 10 के नीचे रहा तो इसमें डालना। अच्छा, 10 के ऊपर रहा तो फिर 20,000 रहा, तो दो बार 10 दो बार करने पड़ेंगे, दूसरा बार कोड है। अच्छा, ये इसका 10 का लिमिट है। 10 का लिमिट, ठीक है। अगर आपको वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको डीजल लेना है 1,00,000 रुपए का तो वो डीजल मिलेगा, लेकिन ये QR कोड है ना, इसकी लिमिट 10,000 रुपए की है। आप 10,000 से 10,000 तक कर सकते हो इस पे, और उसके बाद मान लो आगे करना है तो उसको बार बार स्कैन करो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी इनके पास ऑप्शन है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। दूसरा बार कोड, अच्छा इसके लिए दूसरा बार कोड आपके पास। अगर मान लो आप जितना भी मर्जी डीजल लो, उसके आपको बार कोड मिल जाएगा, सुविधा। बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है भाई, लाइटें लगी हुई है, बहुत सुंदर है, भारतीय पेट्रोल पंप है ये। हाँ ठीक है चाचा, थैंक यू। ये देखो भैया, पूरा जमा 3,500 रुपये का है, 38.68। बहुत ही अच्छा लगा, क्यों काफ़ी पेट्रोल पंपों पे क्या है भाई, वो होता है ना सिस्टम की बटन दबाते हैं और दबाते हैं, इन पे वो नहीं है। ऑनलाइन जो काम होता है ना, वो पूरा ऑनलाइन और ईमानदारी से होता है भाई। अभी हमने इस पंप पे देखा है, जैसे मान लो ये पैसे चलते हैं ना, तो आपने भी देखा होगा ये कि एक दो चलने के बाद सीधा 100-150 आता है, 250 तक भी आता है ना इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पूरा गिनती होता है, आराम से चलती है मशीन। और ये निकल गया हमारा पर्ची ऑनलाइन, दोनों ये हमारे तरफ रहेंगे, ये तुम्हारे। ये देखो भाई गाड़ी नंबर का भी है। गाड़ी नंबर चाचा डालो या डाल दो, मत डालो से। HR 62 HR 62 A 55777 डबल सेवन। ओके, हाँ ओके। मोबाइल नंबर भी होता है इसमें। अच्छा, वो डाल सकते। ये देखो भाई, ऑनलाइन है, डालने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन है, ऑनलाइन किया है ना। हाँ हाँ हाँ, कैश में डाल दो भाई। जो आप नासिक की साइड से आओगे ना, तो पहाड़ी से नीचे उतरोगे, उतरते ही भारत पेट्रोल पंप बड़ा टोल टैक्स से पहले, और इसकी पार्किंग भी काफ़ी बड़ी है भाई। देखो कैसे गाड़ियाँ खड़ी हुई है पार्किंग में, इस साइड होटल भी बना हुआ है। और जहाँ तक पेट्रोल मशीनों की बात है, तो काफ़ी मशीनें हैं भाई। अगर आपकी गाड़ी कच्चा माल लेके भी आ रहे हो ना, आप टाइम कम आपके पास, तो यहाँ पे आओ, आपको 5 मिनट में डीजल मिलेगा। देखो कितनी मशीनें लगी हुई है भाई, बहुत ही बढ़िया। और मेरे को सबसे अच्छा काम क्या लगा, इनका व्यवहार, रिस्पेक्ट से बात करते हैं भाई ड्राइवरों से। ये बहुत सबसे बड़ी बात यही होती है ड्राइवरों के लिए। और चाचा ने हमारे से बात की, बहुत अच्छा लगा चाचा, थैंक यू। ओके, यहाँ पे पार्किंग वगैरह सब सुविधा मिलेगी भाई आपको। सबसे बड़ी बात क्या होती है, व्यवहार की। जो पेट्रोल पंप वाले तेल डालते हैं ना, इनका व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार है, बोलने का तरीका अच्छा है इनका। और इसके सामने कट भी है, हम कट में से गाड़ी घुमा के लेके आए थे, क्योंकि अपने को जाना था वापी साइड, और हम कट में से यू टर्न करके आए, अभी फिर यू टर्न करके हाईवे पे चढ़ जाएंगे। और AW का भी सिस्टम बना हुआ है सामने, और डेफ का भी सिस्टम बना हुआ है सामने, डेफ के बाल्टियाँ भी रखी हुई है, और आप खुला लेना है आपको तो खुला भी रखा हुआ है, निकाल लेते हैं क्योंकि इस साइड से गाड़ी आ रही है, मेन रोड है ये, लेकिन दोनों साइडों में ब्रेकर बने हुए हैं। और कंपनी का पंप है ये, इन्होंने ब्रेकर खुद ने बनवा रखे हैं, ताकि कोई ऐसा हादसा वगैरह ना हो, इसलिए इन्होंने ब्रेकर बनवा रखे हैं दोनों साइडों में, क्योंकि यूटर्न है ना। और पेट्रोल पंप पे नज़र मारो भाई एक बार, कितना बड़ा पंप है। हमें डीजल लेने में सिर्फ 2 मिनट लगा है,
और वैसे गाड़ी अपनी एम्प्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्पीड में जाएगा, इतनी चढ़ाई भी नहीं है यहाँ पे। लोड गाड़ियों को पूरा पूरा पता चलता है कि हाँ पहाड़ी है, लेकिन देखने में इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे नॉर्मल ब्रिज होते हैं ना, वैसे लग रहा है कि नॉर्मल ब्रिज है कोई, लेकिन आगे गाड़ियाँ देखो कैसे बिल्कुल धीरे धीरे गाड़ियाँ चढ़ रही है। लाइन लगी हुई है। ये देखो लापरवाह ड्राइवर ऐसे होते हैं, और इनकी मैं साइड दबूंगा ना तब ये कहाँ जाएगा, इसको पता नहीं है इस बात का। अभी आपने देखा ना वीडियो में कैसे लापरवाही करते हैं ड्राइवर, और इसको ये पता नहीं है हम साइड दाबेंगे ना तब इसके साथ क्या होने वाला है, ये नहीं सोचा इसने। अभी यार अभी ये धीरे धीरे चलेगा, अबे कैसा ड्राइवर है यार ये, कभी इधर भाग रहा है कभी इधर घुमा रहा है इसको, या तो ये दिमाग से पैदल है या इसने शराब पी रखी है। ऐसे ड्राइवर है ना, इनकी वजह से ड्राइवरी लाइन बदनाम हो रही है। अगर कोई, ये तो इस ट्रेलर के पीछे हम थे, अगर हमारी जगह कोई कार वाला होता ना तो कब रुका लिया होता इस गाड़ी वाले को, क्योंकि जिस हिसाब से इसने साइड दाबी थी ना हमारी, हमारा ध्यान था आगे पूरा, हमने ब्रेक ले लिए और गाड़ी भी अपनी एम्प्टी थी, खाली गाड़ी थी, इसलिए गाड़ी रुक गया। अगर लोड गाड़ी होता इतना स्पीड में होता तो गाड़ी रुकने वाला था ही नहीं, और इसने बगैर देखे ही गाड़ी एकदम घुमा दिया। ऐसे ड्राइवरों की वजह से ना ये ड्राइवरी लाइन बदनाम है। वो देखो कंटेनर वाला बाल बाल बचा है, क्या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा समाधान, ऐसे तो नहीं मानेगा ये। इतनी बड़ी गाड़ी लेकर है ये, ऐसी लापरवाही कर कैसे सकता है इतनी बड़ी बड़ी। कहीं कहीं पे तो इतनी लाइटें लगी हुई है कि गाड़ी की हेडलाइट जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और रोड पे देखो आप एक बार, कैमरे में भी बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है ना। और कहीं कहीं पे ऐसा काम है कि जहाँ पे लाइटों की जरूरत है लेकिन वहाँ पे लाइटें लगी हुई नहीं है, लगी हुई है तो वो ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पे मान लो, वैसे तो घनी बड़ी सिटी नहीं है ये, तो चार से पांच दुकानें इधर है और चार पांच दुकानें इस साइड है, खाना वगैरह का होटल बना हुआ है। और रोड पे देखो एक बार आप नज़र मारो, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है रोड के ऊपर, बिल्कुल गाड़ियाँ स्लो स्लो हो गई, 15 की स्पीड में गाड़ियां चल रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं इसको ओवरटेक करने की, लेकिन अपनी गाड़ी एम्प्टी है, इसको कर देंगे ओवरटेक। लकड़ी का इस साइड में कुछ है, ये पता नहीं कौन सी जगह आ गई भाई,
है तो ये नासिक ही, लेकिन ये बाहर का एरिया है, पता नहीं कौन सा गांव है ये। हम शायद गलत रोड पे आ गए हैं, हमें इस रोड पे जाना ही नहीं है नासिक, हमें पुराने वाले रोड से जाना था। गाड़ी बैक हो रहा है, एक बार इसको आने देते हैं पीछे, उसके बाद निकलेंगे। ये जो सामने गाड़ी जा रही है ना, ये लेफ्ट साइड जाएंगे तो जाएगा नासिक, और राइट साइड जाएंगे तो जाएगा वापी, और अपने को जाना है वापी। तो पीछे गाड़ी आ रही है जो साइड शीशे में नज़र आ रही होगी आपको, इस गाड़ी के अंदर है माल है चौड़ा। तो इस भाई ने थोड़ा हमसे मदद मांगा, तो इसके लिए हम इतने स्लो स्लो चल रहे हैं। गाड़ी ये आरजे नंबर है, और अकेला ड्राइवर था ये, साथ में नहीं है कोई। और ऊपर लग रहे थे तार इस गाड़ी में, क्योंकि हाइट का माल है इस गाड़ी में और चौड़ा भी है, तो इसलिए हम रुक गए थे। इसकी गाड़ी निकलवाना ज़रूरी है, उसके बाद निकलेंगे हम, क्योंकि अगर अंजार शहर में हम हेल्प नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। कितना लंबा चौड़ा माल है इस गाड़ी में, ये आ गई, पूरा लंबा चौड़ा माल है। जाने दो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, चलो। क्योंकि इस गाड़ी में ये माल था, हाइट ज़्यादा है इसकी और ऊपर लग रहा था, तो हमसे जितनी हेल्प हुई है ना उतनी हमने की है। ड्राइवरों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपसे जितनी हेल्प हो ना उतनी ज़रूर करें, कि ऐसा मत देखें कि ये बाहर की गाड़ी है हम क्यों हेल्प करें। तो इससे क्या है, अपना ही नुकसान है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अपना क्या नुकसान है, तो अगर हम हेल्प करेंगे ना किसी की, तो अगर हमें कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो तभी हमारी कोई हेल्प करेगा। अगर हम ही किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो हमारी कोई नहीं करेगा। ये जो लोग बोलते हैं ना कि ट्रक ड्राइवर बहुत पैसे कमाते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, तो रिस्क भी बहुत लेते हैं ट्रक ड्राइवर। अभी ये आगे जो गाड़ी चल रही है ना, ये अकेला बंदा है, और एक बार माल की हाइट देखो और चौड़ाई देखो इसकी, ये गाड़ी के दोनों साइडों में दो दो फुट बाहर निकला हुआ है। जो ये आपको लाइट जलती हुई नज़र आ रही है ना, इससे भी थोड़ा बाहर है माल, और अकेला बंदा है। ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है इनको, पीछे भी ध्यान रखना पड़ता है, साइडों में भी ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके ये अपने बच्चों का पेट पाल पाते हैं, तब जाके अपने बच्चों की ये डिमांड पूरी कर पाते हैं। धुंध हो गई है कि लाइटों में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है आगे। देखो सामने वाली गाड़ी कैसे धुंधली धुंधली नज़र आ रही है, और अभी तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है आगे। देखो कितना ज़बरदस्त धुंध है, दिन में ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये भैया जी पूरा घूम के आएंगे, और ये गाड़ी जा रही है ना इस साइड आएंगे ये घूम के, अभी घुमाएंगे गाड़ी, क्योंकि कोई पता नहीं है इनको, अगर आगे पीछे करना वो आगे पीछे करना पड़ गया ना गाड़ी इनको, तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखो पूरा मोड़ है खड़ा, घूम गया। ये देखो भाई गाड़ी की लंबाई बहुत ज़्यादा है इसकी, और सामने से गाड़ी आ जाती है ना। ये देखो ये गाड़ी का मौसम टूट गया, अभी ये चढ़ेगी नहीं। कोई बात नहीं भैया जी, आप ले आओ। हो कहाँ पे,
लाइटें इतनी लगा रखी है, नजर ही नहीं आता है। लाउडे सॉरी।